आज हम आपके लिए फिर से एक नई भोजपुरी FLP प्रोजेक्ट का रिव्यू करने जा रहे हैं दोस्तों, और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ये सॉन्ग अरेंज हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं जिस FLP प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो है ककरी भइल बा कमरिया लपक के, जो कि DJ सूरज SBS के द्वारा ये सॉन्ग मिक्स किया गया है दोस्तों। तो आज हम इसी सॉन्ग का रिव्यू करने जा रहे हैं दोस्तों। पर दोस्तों अगर आपको इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड करना है, डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप वहां से जाकर प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। बट दोस्तों इस प्रोजेक्ट में पासवर्ड लगा हुआ है, जो कि पासवर्ड 5 स्टेप में है, और ये वीडियो के बीच बीच में ही प्रोजेक्ट में लगा हुआ सारा पासवर्ड शो होगा, और FL स्टूडियो के 21 के वर्जन में ये रन करेगा दोस्तों। अगर 21 के वर्जन के नीचे का अगर आप लोग को इसका FLP चाहिए, तो आप DJ सूरज SBS से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर दोस्तों डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप वहां से जाके इनसे कॉन्टेक्ट करके इस प्रोजेक्ट को इजिली ले सकते हैं इनके हिसाब से दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आइए एक नई क्रिएटिविटी का आनंद लेते हैं, और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने इस सॉन्ग का अरेंजमेंट किया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये एक स्नेर लगाया गया है, ये दोस्तों सीरम से यहाँ पे प्लक बनाया गया है, ये बेस लाइन बनाया गया है दोस्तों, एनालॉग बेस यानी कि हार्मर का प्रयोग करके दोस्तों, हार्मर, GMS, ड्यून और हार्मलेस, ये चार प्रकार के VST का प्रयोग करके दोस्तों बेस लाइन बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक लीड सेक्शन का बेस लाइन दोस्तों चल रहा है, ठीक है, और जिसके लिए दोस्तों यहाँ पे एक साइलेंट और हार्मलेस का प्रयोग किया गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक की को हार्ड करने के लिए ट्रेबल, ठीक है, और यहाँ पे ये ब्लैंक है, फिर सिंथ से ये दोस्तों साइलेंट का यूज करके दोस्तों यहाँ पे एक कॉर्ड बनाया गया है, कॉर्ड प्रोग्रेशन किया गया है दोस्तों, जो कि एक मेलोडी टाइप का है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये कॉर्ड, सॉरी मैं कॉर्ड इसको बोलना भूल गया था, ठीक है, यहाँ पे एनेक्सस के जरिए कॉर्ड बनाया गया है, यह मेलोडी सेक्शन तैयार किया गया है एक प्रकार का, ये सब बेस है दोस्तों, ठीक है, सब बेस के लिए दोस्तों यहाँ पे 380 का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे VST का प्रयोग करके दोस्तों कुछ इस प्रकार का ये इफेक्ट्स क्रिएट किया गया है, जो कि एक हम कह सकते हैं कि एक फनी चाइल्ड टाइप का एक ये साउंड है दोस्तों, ये दोस्तों इसके लिए जेटा और ड्यून का प्रयोग किया गया है, ये ड्यून और Z3TA इसका प्रयोग करके मिडी सेक्शन तैयार किया गया है। ये फिलर्स के लिए दोस्तों इसके लिए साइलेंट और Z3TA को ही यूज किया गया है। इसके बाद हाई हैट्स, इसके बाद यहाँ पे साइलेंट से एक लीड बेस, कॉर्ड बेस, यहाँ पे हार्मलेस का यूज किया गया, अगेन यहाँ पे लीड है ये Tune 3, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों एक स्वर प्लग का यूज करके दोस्तों ये कुछ इस प्रकार का यहाँ पे एक ये पैटर्न क्रिएट किया गया है। एक ये मिडी बनाने के लिए दोस्तों साइलेंट का प्रयोग किया गया है, ये होय का अलग से इफेक्ट लगाया गया है दोस्तों, साउंड इफेक्ट, एक गिटार का कॉर्ड और एक प्लग दोस्तों यहाँ पे चल रहा है, जो कि बेस प्लग प्लग है ये चल रहा है। तो दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से ये अरेंजमेंट हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों अब आके थोड़ा सा आपको हम और डीपली दिखाते हैं, ये एक थोड़ा सा दोस्तों एक रोमांटिक साउंड है दोस्तों, ठीक है, सॉन्ग के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिडी, ठीक है, कुछ इस प्रकार का एक इफेक्ट है दोस्तों, साउंड इफेक्ट, एक प्लग बेस लाइन, टैम्बोरिन इसके साथ चल रहा है दोस्तों, डबली कॉर्ड बेस। अब दोस्तों आगे आते हैं, अगर आपको दिखाते हैं तो यहां पे एक प्रकार का फिलर्स लगा के होए का साउंड इफेक्ट्स, मिडी सेक्शन है जो मेलोडी चल रहा है, क्लैप, स्नेयर, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक प्लक बेस लाइन,
प्लग बेस लाइन को थोड़ा सा हैवी बनाने के लिए बेस लाइन का प्रयोग किया। एक लीड बेस लाइन, किक को हार्ड करने के लिए ट्रेबल, एक लूप, स्टेब, एक गिटार का कॉर्ड सेक्शन, इसके बाद आप लिफ्टर डाउन लिफ्टर का प्रयोग किया गया है दोस्तों। सॉन्ग के अकॉर्डिंग साउंड में जो भी इफेक्ट्स यूज किया गया है, जो भी साउंड इफेक्ट्स यूज किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लिफ्टर डाउन लिफ्टर और उसके बाद यहाँ ऑटोमेशन का प्रयोग किया गया है। आगे आते हैं दोस्तों, यहाँ दिखाते हैं इनका वॉइस टैग, वोकल साउंड। ये सॉन्ग एकापेला जो कि बनाया हुआ है, ठीक है। आइए दिखा देते हैं कुछ इतने प्रकार के प्रोसेसिंग को करके दोस्तों यहाँ पे ये बनाया हुआ है। तो अगर हम इसको बंद करके सुनाते हैं सॉन्ग को, ठीक है दोस्तों। तो बाकी अगर हम इसको ऑन करके सुनते हैं, आप दोस्तों इस प्रकार का प्रोसेसिंग करने के लिए पैरामेट्रिक EQ2 रिवर्ब कन्वॉल्वर डीले स्टीरियो सेपर पैरामेट्रिक फेयर फिल्टर प्रो Q3 DS5 इस तरीके का दोस्तों यूज किया गया है। बाकी आप इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड करके इजीली आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे आते दिखाते हैं आपको यहाँ पे कि आगे इन्होंने और क्या काम किया है। बहुत ही अच्छे प्रकार के डीजे रिमिक्सर्स है, ज़रूर इनको सपोर्ट करिए दोस्तों। इनका नाम बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों हमें, डीजे सूरज SBS बहुत लोगों को ही सिखा चुके हैं दोस्तों ये, और ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छे प्रकार के एक डीजे रिमिक्सर्स हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स भी हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो मैंने अभी आपको इस FL अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको दिखाया कि क्या क्या VSTs और कौन कौन से मतलब पैटर्न्स के ऊपर इन्होंने काम किया है, तो सब चीज़ें तो दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया। बस आगे भी लगभग लगभग सेम वही सारी एलिमेंट्स हैं जो भी पहले लगी हुई है। ये सब आप देख सकते हैं कि एक अलग अलग प्रकार के लूप्स हैं और कुछ यहाँ पे बनाए हुए VST के जरिए बनाए हुए कॉर्ड्स चल रहे हैं, यहाँ पे कुछ प्लग चल रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार से इन साउंड को सारा डिज़ाइन किया गया है दोस्तों। तो ये तो था दोस्तों इनका, बाकी इनके मास्टर चैनल में क्या लगा है क्या नहीं लगा है, बाकी इन्होंने और डीपली इसके अंदर क्या काम किया है दोस्तों, उसके लिए दोस्तों आपको इस FLP को डाउनलोड करना पड़ेगा और तभी आप वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो ये लंबी हो जाएगी दोस्तों। यहाँ दोस्तों अगर आपको नीचे कुछ दिखाते हैं, ये अपलिफ्टर है, यहाँ पे एक फिलर है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको आपको फाइनली एक बार दिखा देता हूँ तो ये एक साइलेंस से ही बना हुआ है दोस्तों, एक प्रकार का फिलर्स ही हम इसको बोलेंगे, अपलिफ्टर फिलर्स हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से इन्होंने इस सॉन्ग का अरेंजमेंट किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही एक मैसिव अरेंजमेंट है दोस्तों, ठीक है। अब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इस तरीके का मतलब इतना भारी और हैवी काम भी किया जा सकता है। तो दोस्तों हमेशा मैं आप लोगों के लिए कुछ नई नई और अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आता हूँ, और इसलिए दोस्तों आज आपके लिए फिर से मैं अच्छी चीज़ें लेकर आया हूँ। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा FLP, और अभी तक आपको इस FLP में लगा हुआ सारा पासवर्ड आ गया होगा जो कि 5 स्टेप में पासवर्ड था और FL स्टूडियो के 21 के वर्जन में रन करेगा, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, DJ सूरज SBS को सपोर्ट करना ना भूलिएगा। आपसे फिर से मिलते हैं अगले किसी नए एपिसोड नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।